वेलकम टू माई डे लाइट व्लॉग जी माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, हरियस होंगे जी। तो आज हम बनाते हैं कड़ी पकौड़े और देखते हैं। इसलिए मैंने ये आपके सामने प्याज और टमाटर ऑयल डाल के इनके मसाला जो है इसको भूनूंगी। तो इसकी भुनाई करते हैं, आप देखते जाएं, आप इसको ट्राई भी करें, बहुत ही अच्छा बनेगा माशाल्लाह। तो ऐसा कलर आने के बाद ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह इसकी खुशबू और कलर बहुत अच्छा आ गया। ये है जी मसाले, कड़ी पत्ता, सूख मिर्च पाउडर, हल्दी और जी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। इसमें ऐड करते हैं, तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी ताकि ये साथ ना लगे। तो इसमें हमने ऐड कर लिया बेसन, बेसन मैं करूंगी 1.5 कप। तो इसको भून के, इसको जब आप समझे इसमें मतलब ये साथ लगने लगा है, तो इसमें डालें पानी इतना कि मतलब ये अच्छी तरह से गल जाए। जी ये मैंने आधा कप और डाल लिया, 1 कप पहले डाला था और आधा कप अभी डाला है, मुझे कम लगा मैंने और डाल लिया। आप अपने हिसाब से डाल लें, कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उतनी में डाल लें। और ये है जी हमारा योगर्ट, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया, बीट करने के बाद इसमें डाला पानी और इसका बन गया हमारा बटर मिल्क। बटर मिल्क इसलिए बनाते हैं कि मतलब कड़ी के लिए तो बेस्ट है, वरना जस्ट योगर्ट तो आप नहीं यूज़ कर सकते। आप इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको खलाते जाएं, इसको रोकना नहीं है वरना इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये आ गया है जी इसका कलर, जो इसका ऑयल था ना वो आना शुरू हो गया है। तो ये है जी हमारे पकने का, अब इसको रखते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ये कुछ टाइम बाद ये देख लें हमारा ऑयल आ गया, ये हमारी कड़ी है जी तैयार। ये मैंने इसलिए ज़्यादा थिक नहीं रखी, इसमें मैंने पकौड़े डालने थे और घर में भी ना जो बच्चे हैं ना वो दूसरी वाली नहीं पसंद करते, मैंने कहा चले ऐसे ही बना लेते हैं, इट्स ओके। ये देखिए माशाल्लाह, और ये हमने पालक कट कर ली जल्दी से, और ये है साथ में जना प्याज, और ये हमारे पोटैटो मैंने इस तरह कट की है छोटे साइज में से, मैंने कहा चले ऐसे ही ठीक है। तो इसमें डालते हैं स्पाइसी नमक, और ये है सूख मिर्च पाउडर, इसमें हल्दी मैं तो नहीं यूज़ करती, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सूखा धनिया, और ये है जी कुटी हुई लाल मिर्च, जस्ट ये 4-5 जो मसाले ये मैंने डाल दें, इसके अलावा कुछ नहीं डालूंगी। चले जी इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से, बेसन ऐड कर लेते हैं, पहले मैं स्पाइसी डाल के ना इसको मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बेसन डाल के ना फिर मिक्स करते हैं ना, रेडी हो जाता है फिर, ये आप देख सकते हैं जी। तो कढ़ाई में डालते हैं ऑयल और स्टोव को करते हैं ऑन, और ये हैं जी कड़ी और साथ में पकोड़े। ये मैं नमक मिर्च टेस्ट कर लूँगी, तो उसके बाद ये देखें माशाल्लाह। और ये है जी द फाइनली लुक हमारी कड़ी पकोड़े की,
आप भी बताएं, बनाएं और खा के बताएं कि कैसा लगा है। तो नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। फी अमान अल्लाह।